नमस्कार, यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से। आज भी मैं गुरु की टेढ़ी मेढ़ी चाल, गुरु का टेढ़ी मेढ़ी चाल, गुरु की टेढ़ी मेढ़ी चाल ही हो गया। आई थिंक आई एम श्योर हिंदी इज़ ऑल राइट। अब 18/8 की रात को गुरु आ गए इस नवांस में, तुला नवांस में, तुला। बता चुका हूं मैं, और ये देवता नवांस है और यहां ये रहेंगे 14/9/21 तक, लगभग एक महीना, 18/8 से 14/9, एक महीना में 4 दिन कम, एक महीना रहेंगे। एक नवांस एक महीना मोटा मोटी कवर करते हैं, और ये देवता नवांस है और ये तुला नवांस है। सबसे पहले इस चीज को समझ लीजिए कि ये गुरु है तो कुंभ राशि में, और नेचुरली ये धनिष्ठा नक्षत्र है, और धनिष्ठा नक्षत्र का ये जो चरण है इनका, धनिष्ठा का, तो तुला में ही रहेंगे। आगे बढ़ जाएंगे जब ये मकर राशि में रहेंगे, तब भी 6 नंबर में रहेंगे, और 1, 2, 3 ये धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर में ही है। अब ये धनिष्ठा नक्षत्र में है तो जिन लोगों का धनिष्ठा नक्षत्र अशुभ है, जिन लोगों के लिए जन्म संपद विपद के हिसाब से किनके लिए अशुभ है, ये मैं आपको बता देता हूँ। धनिष्ठा नक्षत्र जो है जिन लोगों का जन्म सूरज के 3 नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए ये विपद तारा में पड़ रहा है। सूरज के 3 नक्षत्र कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी, आपके लिए ये विपद तारा में है। और केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, ये आपके लिए प्रत्यारी तारा में ये धनिष्ठा नक्षत्र आएगा। जिनका जन्म केतु के 3 नक्षत्र में हुआ है, गिनती कीजिए, उनके लिए धनिष्ठा है, ये मंगल का नक्षत्र है। तो केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, 5 माने जन्म संपद विपद क्षमा प्रत्यारी एनिमी स्टार में पड़ेगा, आपके लिए भी ये अशुभ है। और जिनका नक्षत्र शनि के 3 नक्षत्र में हुआ है, पुष्य, अनुराधा, उत्तराभाद्रा में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए भी ये नक्षत्र अशुभ है। मतलब गुरु जब तक धनिष्ठा नक्षत्र में हैं, चाहे ये उल्टे पांव रेट्रोगेट चल रहे हो या यहाँ से फिर सीधे चलें, मतलब लगभग 3/1/2022 तक, 3 जनवरी 2022 तक ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही रहेंगे।
उल्टे चलें या सीधे चलें, धनिष्ठा नक्षत्र में चलेंगे। सो सूरज के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए ये पीरियड अशुभ, केतु के तीन नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए धनिष्ठा नक्षत्र अशुभ, मतलब गुरु अशुभ। उसी तरह से शनि के तीन नक्षत्र वालों के लिए धनिष्ठा नक्षत्र अशुभ, और धनिष्ठा नक्षत्र में गुरु है ये भी अशुभ हो गया आपके लिए, बाकी सबके लिए शुभ हैं। बाकी अन्य छह नक्षत्र वालों के लिए, मोटा मोटे छह ग्रह वालों के लिए ये ठीक है, खराब है। आई एम रिपीटिंग अगेन, कुछ बात इंपॉर्टेंट होती है इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। सूरज के तीन नक्षत्र, केतु के तीन नक्षत्र और शनि के तीन नक्षत्र में जिनका जिनका जन्म है उनके लिए 3/1/22 तक गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो आपके लिए अशुभ हो जाएंगे। अशुभ नक्षत्र में जो ग्रह रहते हैं वो भी अशुभ हो जाते हैं, और यदि किसी कारणवश उस पर एक दो पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो बहुत अशुभ हो जाते हैं। ये सब एस्ट्रोलॉजी का कुछ बेसिक रूल है, जो लोग विद्यार्थी हैं सीख रहे हैं समझ लीजिए, मैं आपको बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो बाकी सब लोगों के लिए तो ठीक है, मंगल के लिए जन्म तारा में है ठीक है, गुरु के लिए मित्र तारा में है, राहु के लिए परम मित्र तारा में है, बुध के लिए सक्सेस जोन में है, शुक्र के लिए छेमा जोन में है, चंद्रमा के लिए संपत्ति जोन में है, तो ये सब आपके लिए शुभ है। लेकिन एक बात और बता रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, बहुधा बहुत कम 99.9 लोगों में से इस जो चीज़ बता रहा हूँ इसका यूज़ नहीं करते हैं लोग। आप इसको यूज़ कीजिए अपने लिए। मान लिया ये तुला नवांश, इस तुला नवांश में गुरु है, तुला नवांश में गुरु है, तो चंद्रमा से ये तुला नवांश छठा पड़ेगा वृषभ राशि का। वृषभ राशि में यदि आपका चंद्रमा है, आप नवांश कुंडली देखिए, आई एम टॉकिंग ऑफ नवांश कुंडली, लग्न कुंडली नहीं, नवांश कुंडली में यदि आपका चंद्रमा 2 नंबर में है, ये नवांश कुंडली है, नवांश कुंडली देख रहा हूं मैं, इसलिए हमने कहा कि बहुत कम लोग इस रूल को अप्लाई करते हैं या जानते भी होंगे। तो नवांश कुंडली में यदि आपका चंद्रमा 2 नंबर में है तो 7 नंबर का गुरु, मतलब 7 तुला नवांश का गुरु आपके लिए 6th हाउस में पड़ा, ये अशुभ घर है। तो जिनके लिए अशुभ है ये ज़्यादा अशुभ हो गया, जिनके लिए अशुभ नहीं है शुभ है तो शुभता थोड़ी कम हो गई। इसको समझ लीजिए भाई, दिस इज रियली इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। हाउ टू रीड डिविजनल चार्ट, ये कहीं लाइट नहीं दिया हुआ है बहुत ढंग से। मैं ऋषियों की बात बोलता हूँ, ऋषियों ने इसको इतना सामान्य चीज़ समझा कि इसके बारे में इन्होंने बहुत नहीं लिखा, इवन महर्षि पराशर ने भी बहुत डिटेल में नहीं लिखा इसको। तो मान लिया आपका चंद्रमा 12 नंबर में है, तो चंद्रमा यदि 12 नंबर में है तो 7 नंबर कहाँ पड़ेगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पड़ेगा और ये गुरु यहाँ आएगा। तो जिनका नवांश में चंद्रमा 12 नंबर में है, आई रिपीट,
जिनका नवांश में चंद्रमा 12 नंबर में है, उनके लिए तुला नवांश में गुरु अष्टम भाव में आ जाएगा। और दुर्भाग्य से आपकी आयु मेरी जैसी है और दशा अंतर दशा अशुभ चल रही है, या आपके परिवार में जैसे मेरे एक ही संतान और एक बेटी है, तो हमारे दोनों बच्चों के कुंडली में यदि शनि चल रहा हो, शनि की दशा अंतर दशा चल रही हो, तो मेरी मृत्यु अचानक हो जाएगी। एक बहुत स्टैंडर्ड रूल है एस्ट्रोलॉजी का, जब दो बच्चों के कुंडली में या तीन बच्चों के कुंडली में शनि की दशा अंतर दशा चले है, तो पिता की कुंडली कितनी भी स्ट्रांग हो, एक चांस बनता है कि सडनली उनकी मृत्यु हो जाए, अकाल मृत्यु हो जाए, ये चांस बनता है। यस, रूल एग्जिस्ट। तो चंद्रमा यदि आपके 12 नंबर के नवांश में है, तो गुरु तो अष्टम भाव में आ गए, और आपकी दशा अंतर दशा ठीक नहीं चल रही हो, अष्टक वर्ग में बल नहीं हो, नक्षत्र अशुभ चल रहे हो, और षष्ठांश कुंडली, देखिए मैं थोड़ा आगे चला जा रहा हूँ बिना बताए, लेकिन षष्ठांश कुंडली में भी योग ठीक नहीं बन रहा हो, तो मृत्यु का डर हो जाएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ, मैं गुरु की टेढ़ी मेढ़ी चाल बोल रहा हूँ, तुला नवांश में जब आ जाएंगे, ये देवता नवांश है, देवता नवांश में होने से मैंने कहा मृत्यु का चांस है, मृत्यु होगी ही ये नहीं बोल रहा हूँ, मृत्यु का चांस है। और जिनकी कुंडली में चंद्रमा 8 नंबर का है, चंद्रमा यदि 8 नंबर का है, तो तुला नवांश यहाँ पड़ेगा और गुरु यहाँ पड़ेंगे, और ये देवता नवांश है। देखिए 12th हाउस इज़ वेरी डेंजरस हाउस, इसको जेल भी बोलते हैं, कारागार की स्थिति भी बोलते हैं, ये 12th हाउस खर्चा भी बोलते हैं, लॉन्ग जर्नी भी बोलते हैं, समुद्र पार भी जाना बोलते हैं, कर्जा लेना भी बोलते हैं। तो कर्जा लेंगे तो गुरु इस एज बिग एज 1600 अर्थ, तो आप बड़ा खर्च कर्जा ले लेंगे जो उतार नहीं सकेंगे, यदि गलत डिसीजन हो गया तो फंस जाओगे। इसलिए बार बार बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बिना एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन के बहुत बड़े बड़े लोन लेकर के कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, सारी दुनिया जीत लूँगा, और लोन लेते चले गए और अचानक भट्ठा बैठ गया, और अब पूछते हैं कि कब लोन उतरेगा। सर ये एस्ट्रोलॉजर का ग्रैंडफादर भी नहीं बता सकेगा, कारण कि जब आप लोन ले रहे थे तब तो आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट ही नहीं किया, वो तो आपको स्पष्ट बोलता कि भैया आप कर्जे मत लो, बिजनेस मत करो, ये लिखा ही नहीं है आपके कुंडली में, आपके तकदीर में नहीं है, क्यों आप जबरदस्ती कर रहे हो। लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, आज भी लोग कितना भी कुछ बोलूँ तो बोलते हैं कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे बेटे की कुंडली में बिजनेस नहीं है, आप बोल रहे हैं, तो बिजनेस आखिर मैं किसको सौंपूंगा, एक ही तो बेटा है। सर शादी कर दीजिए अच्छी लड़की से जिसके कुंडली में बिजनेस हो, कर दीजिए, या और भी दूसरे के नाम से कर दीजिए, और लड़के को उसमें 1% भी पार्टनर बना दीजिए, वर्किंग पार्टनर बनाइए, उसकी तनख्वाह दे दीजिए, 5 लाख रुपया दे दिए, जैसी आपकी मर्जी हो चलेगा, तब चल जाएगा, लेकिन स्टिल इट इज़ नॉट कंफर्टेबल वन, इसलिए कि ईश्वर की मर्जी के बाहर काम कर रहे हैं। तो ये गुरु जो तुला नवांश में है, वृश्चिक राशि में जिनकी कुंडली है, कि जिनका चंद्रमा है नवांश में,
नवांश में जिनका चंद्रमा है, नवांश में चंद्रमा यदि आपका वृश्चिक राशि का है तो गुरु आपके 12th हाउस में हो गए, अशुभ हो गए। देवता नवांश में है तो अशुभ ज़्यादा इतना नहीं होगा, थोड़ा घट जाएगा, लेकिन यदि सब कुछ खराब चल रहा है तो इतना से बढ़ के इतना हो जाएगा। इसको चेक कीजिए, चंद्रमा से 6th, 8th और 12th में से तो आपका गुरु नवांश तो नहीं पड़ रहा है। ठीक उसी तरह से इन सिमिलर वे चंद्रमा से यदि ऐसी स्थिति में पड़ता है तो आप मेंटल परेशान हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे। मान लिया ये सूरज है, यहाँ पर लग्न में सूरज है वृषभ राशि का, तो यदि 7 नंबर का तुला नवांश का गुरु है तब भी ये अशुभ है। कारण कि सूरज तो ऑलरेडी अशुभ है, सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए ऑलरेडी धनिष्ठा नक्षत्र खराब है, तो गुरु खराब है। और सूरज से यदि ये 8वें 6ठे आ गए तब भी खराब हो जाएंगे, ये अशुभ हो जाएंगे। 7 नंबर का यहाँ पर गुरु आ जाएंगे तब भी ये अशुभ हो जाएंगे, और 7 नंबर के ये गुरु आ जाएंगे तब भी ये अशुभ हो जाएंगे। यहाँ तो हमने क्या देखा, चंद्रमा से देखा, सूरज से देखा, और नवांश लग्न में भी यदि कोई भी आपका लग्न है नवांश का, मान लिए ये यहाँ पर 3 है, नवांश जो है ये 3 है, तो यहाँ से भी तो 6ठे 8वें 12वें में यदि कैसे भी गुरु आ जाएंगे, जो संभव नहीं है ना, जब तक कि यहाँ पर ये 2, 2, 12, 8 नंबर नहीं होगा तो ये 6, 8, 12 में गुरु आ ही नहीं सकते। तो नवांश में भी ये अपने नवांश कुंडली में इसको चेक कर लीजिए, जो मैं बताया, बहुत बड़ा रहस्य बताया मैं आपको। ये रहस्य यदि कोई जानता है तो कभी अपने बेटे को छोड़ करके किसी और को नहीं बताता है, याद कर लीजिए, इसको समझ लीजिए बढ़िया से। तो नवांश कुंडली में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि एक कुंभ का गुरु, धनिष्ठा नक्षत्र का गुरु, तुला नवांश का गुरु, देवता नवांश का गुरु, सूरज के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, केतु के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, आपके लिए अशुभ होगा, डेंजरस होगा, बहुत सावधानी से ये जब तक इसमें रहेंगे, मतलब 18/8 से 14/9 तक, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और देवता नवांश में है तो यदि आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हो, नवग्रह की प्रार्थना करते हो, अपने कुल देवता की पूजा करते हो, तो समझो ये इतना बड़ा कष्ट घट के इतना तक आ जाएगा, जीवन नैया पार लग जाएगी। तो ये बात हमने बड़ी बात बताई आपको। 14 सितंबर 2021 के बाद ये गुरु 10 नंबर में चले जाते हैं, गुरु 10 नंबर में आ जाएंगे, और ये नीच होते हैं, -100%। तो जब तक देवता नवांश में है तब तक तो बहुतों के दिमाग में बहुत कुछ परिवर्तन आ सकता है। देर कैन बी ए चेंज इन थॉट्स ऑफ द बिग लीडर्स। बिग इसलिए बोल रहा हूँ कि गुरु सबसे श्रेष्ठ होते हैं, गुरु को मंत्री भी बोलते हैं,
चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सबसे जो बिग हो, जो बिगेस्ट हो, ऐसे भी जो मंत्री महोदय हैं, ये राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो उनके दिमाग में कुछ तो पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, ये सही है। मैंने पिछले एपिसोड में भी इस बात को बताया था। तो यहाँ तक ध्यान दीजिए, कल या परसों, कल के एपिसोड में मैं यहाँ के बारे में बताऊंगा। ये पीरियड निकल जाएगा, तो मकर राशि में जो गुरु रहेंगे नीच का, वो क्या रिजल्ट देंगे, ध्यान रहे। ये धनिष्ठा नक्षत्र ही है, ये धनिष्ठा नक्षत्र ही है, लेकिन गुरु नीच के हो गए और शनि वहाँ बैठे हैं, बोलते हैं कि मैं नीच मंग राज जो कर दूंगा, मैं शनि हूँ, इनसे छोटा हूँ, इनके सामने में मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनको लिफ्ट करा दे, मैं इनको लिफ्ट करा दूंगा, नीच भंग राजयोग कर दूंगा मैं। एक गाना था ना, लिफ्ट करा दे मौला करके, कुछ ऐसे ही था, जस्ट आई फॉरगॉट इट। तो ये गुरु इसी में शनि ऑलरेडी होने के कारण ये जो नीच है, ये नीच नहीं रहेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन कितना भी पॉजिटिव हो जाए, ये कितना भी पॉजिटिव हो जाए, तो नीच होने का भी फल देंगे और निगेटिव होने का भी फल देंगे और पॉजिटिव होने का भी फल देंगे। ये मैं दूसरे एपिसोड में बताऊंगा, गला थोड़ा सूख रहा है, ठीक है। और अगेन मैं अपनी ही कुछ बात बताऊं, 10 नंबर को नॉर्थ बोलते हैं, बराह मिहिर कच्छप स्वरूप धरती के लिए उन्होंने जो परिकल्पना की थी, वो आप देखिएगा, ये रूप है कच्छप स्वरूप धरती। तो ये ईस्ट है, टेल इज वेस्ट, और साइड जो है ये 10 है उत्तर नॉर्थ, ये नीचे वाला 4 है, दिस इज साउथ। तो गुरु शनि दोनों अभी भी नॉर्थ में ही रहेंगे और नॉर्थ वेस्ट भी प्रभावित रहेगा। 9 नंबर भी पापकर्तारी योग में अभी भी रहेंगे, और मंगल चूंकि डिस्पॉजिटर हैं, अग्नि के, मंगल माने अग्नि, 5 में रहेंगे सूरज के साथ, तो 5 में रहेंगे, तो 10 नंबर में शनि रहेंगे, 10 नंबर में गुरु रहेंगे। गिनती कीजिए 5 से, 5, 6, 7, 8, 9, 10 छठे में रहेंगे, षडाष्टक संबंध रहेगा, मंगल और सूरज 5 में है, 5, 6, 7, 8, 9 और ये छठा 10, तो 6, 8 रिजल्ट रहेगा। मंगल को भी रियल इस्टेट बोलते हैं, मंगल को वायलेंस है, प्लैनेट ऑफ वायलेंस बोलते हैं। तो यस, नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, जहाँ पर अभी समस्याएं चल रही हैं, उत्पात चल रहा है, परेशानी चल रही है, श्रावण माह चल रहा है, जो 22 तारीख तक श्रावण महीना है, राखी है, रक्षाबंधन है 22 को, जब तक पूर्णिमा है तब तक राखी बांध सकते हैं,
ये रक्षाबंधन है, सूत्र बांधा जाता है मंगल सूत्र, भाई बहन का ही त्यौहार है मूलतः, लेकिन जैसे सोना चांदी वाले धनतेरस को सोना खरीदिए, अक्षय तृतीया को सोना खरीदिए, जब भी कोई दिन होता है तो उसको सोना खरीदिए में बदलवा देते हैं, पंडितों को पैसा दे दे करके उनके मुंह से बहुत सारी बखान करा दी जाती है, हो या ना हो। सोना में तो कली काल बसा हुआ है, कली बसा हुआ है, सोना कलिकाल ने कहा, कली ने कहा कि मैं कहाँ बसूं महाराज परीक्षित, तो कहा कि मेरे मुकुट में जो सोना है उसमें बस जाओ। तो सोना तो काल है, कलयुग का काल है, मानो या ना मानो सत्य तो यही है। तो बहुत सारे एमएनसी और उनके झंझट में जाकर के अपने धर्म को भ्रष्ट मत कीजिए, अपने को भ्रष्ट मत कीजिए। तो नॉर्थ वेस्ट अभी भी थोड़ा संकट में पड़ा हुआ है, बट 14 सितंबर तक सेंस विल प्रिवेल, सेंस में प्रिवेल, गुड सेंस में प्रिवेल, ऐसा हो सकता है, इसकी परिकल्पना की जा सकती है, देवत्व की भावना आ सकती है। शुक्र नीच का है, शुक्र नीच का है अभी आकाश में, शुक्र फीमेल को बोलते हैं, यूनिवर्सल वाइफ को बोलते हैं, तो अपनी रक्षा कीजिए, औरतें अपनी रक्षा कीजिए, और जो गुड सेंस जिनको प्रिवेल कर रहा है, आप भी, आप समान अधिकार नहीं दे सकते हैं तो जितना दे सकते हैं जान तो बखसिए और उतनी आज़ादी दीजिए जितना मालिक ने सबको दिया है। आज यहीं तक, इति शुभम तहन दो निनागे जोहार।